हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मेरा नाम मेरा नाम सिद्धांत। सिद्धांत टेक टेक ज्ञान ज्ञान चैनल चैनल में में आप आप लोगों लोगों का का बहुत 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 स्वागत स्वागत करता करता हूँ। हूँ। दोस्तों, दोस्तों, आज आज मैं मैं आपको आपको बताऊंगा बताऊंगा कि कि आप आप लोग लोग इस इस तरह तरह की की ऑडियो ऑडियो कैसे कैसे बना बना सकते सकते हैं हैं और और वो वो भी भी अपने अपने मोबाइल मोबाइल से। से। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। दोस्तों, आप लोग अपने साउंड में इको इफेक्ट बड़े ही आसानी से डाल सकते हैं। जो ये इफेक्ट था वो था इको इफेक्ट। इसे डालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है। तो हम प्ले स्टोर खोलेंगे और प्ले स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे इको। केवल इको सर्च करेंगे, जो सबसे ऊपर आएगा ये आइकन होगा इसका, इको का, उसे डाउनलोड कर देंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको केवल लिखना है इको और इको लिखकर उसे सर्च करना है, वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ इसका इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसे चलाने से पहले, आपको यूज़ करने से पहले कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट्स दिए हुए होंगे, तो सेटिंग का यहाँ से आपको सेटिंग खोल लेनी है। यहाँ पर सेटिंग में आपको इंस्टेंट प्ले रिप्ले ऑन रखना होगा। रिकॉर्ड बटन पे आपको होल्ड टू रिकॉर्ड नहीं करके टैप टू रिकॉर्ड करना होगा। और साउंड इफेक्ट्स जो होंगे उसमें आपको साउंड इको इफेक्ट ऑफ होगा दिया हुआ, उसे आपको ऑन करना होगा। इको वॉल्यूम आपको 30% पे सेव करनी होगी और इको डिले आपको 0.2% पे सेव करना होगा, जिससे अच्छा बेहतरीन इफेक्ट आप पा सकें। इस तरीके से आपको कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। उसके बाद में आपको रिकॉर्ड वाले बटन पर रिकॉर्ड करना है, और जब इसे बड़े वाले बटन को रिकॉर्ड वाले बटन पर आप टैप करेंगे तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको रिकॉर्ड करने से पहले एक बार जब सारी सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद पहले एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करना है, फिर दोबारा से एप्लीकेशन खोलनी है, तभी आप बड़े वाले बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी ऑडियो। और उसके बाद आप स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग। स्टॉप वाला बटन ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉप वाला दबाएं, आप बड़े बटन को दोबारा दबाएंगे तो भी आपकी ऑडियो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपका ये रिकॉर्डिंग का नाम आ रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ से उसे टैप करके नीचे पेंसिल वाला जो बटन है उस पर क्लिक करके आप लोग उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके पेंसिल वाले के बराबर वाला बटन दबाकर आप लोग फाइल वाला बटन दबाकर सेव कर सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ऑडियो में बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा मेरे ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।